सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दीपक। फिर आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ और बड़े दिनों बाद। बहुत लोग बोल रहे थे कि अरे दीपक भाई कहाँ गायब हो गए, कुछ हो गया क्या? ऐसा कुछ नहीं, कहीं गायब नहीं हुए। बेसिकली मैं अभी 5 दिन पहले ही इंडिया से आया हूँ, तो मैं 10 से 15 दिन इंडिया में था। काफ़ी लोग से मिला, दिल्ली में गया था, दिल्ली में मिला, मुंबई में मिला, राजस्थान में मिला, तो काफ़ी लोग से मिला, काफ़ी लोग से काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनके, तो मैं सोचा कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिकली जितने लोग से भी मिला सबका यही क्वेश्चन था कि मैं क्रोशिया आऊँ कैसे और आने का प्रोसेस कैसा है, कि मैं कैसे पहचानूँ कि ये बंदा मेरे लिए जेन्युइन है, ये बंदा मेरे काम करेगा कि नहीं। तो बस हमने यही सब बात की और फिर मैं यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे एक्चुअली अभी मार्केट बहुत ठंडा चल रहा है क्रोशिया का। अभी 2 दिन से धूप था, सडनली आप देखो ऐसा लग रहा है कि ठंडी ठंडी चालू होने वाली है ऐसा, पर अभी मौसम थोड़ा ठीक ठाक है यहाँ पे। तो चलिए आज बात करेंगे हम क्रोशिया के लिए। जो नए लोग हैं जो क्रोशिया आना चाहते हैं, तो उनको मैं टोटल प्रोसेस बताऊंगा कि टोटल प्रोसेस कैसा है क्रोशिया का, क्योंकि जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखा होगा आज से 2 साल पहले का, 1.5 साल पहले का, तो तब प्रोसेस बहुत अलग था और अब प्रोसेस बहुत अलग हो चुका है, अब बिल्कुल सेम नहीं है। तो इसलिए मैं सोचा कि वापस एक बार मैं लोगों को वीडियो के द्वारा बता दूँ कि क्या प्रोसेस है, क्योंकि जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो, पुराने वीडियो पर कमेंट करके पूछ रहे कि अब कितने महीने में आएगा, क्या प्रोसेस है, क्या चार्जेस लगते हैं सब कुछ, और क्या क्या जॉब अवेलेबल होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए, ऐसे भी नए नए अपडेट्स आए, अब लॉ बहुत बदल चुके हैं, क्योंकि जब मैंने वीडियो बना था तब हम यूरोपियन यूनियन में थे, शेनिगन में नहीं थे, इसलिए बहुत सारे रूल्स थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो चेंज हो चुके हैं। जब मैं क्रोशिया में आया तब बहुत ही अलग तरीके का क्रोशिया था, अलग तरीके का ज़ाग्रेब था। अब जब हम यहाँ पे हैं, अब हम कैसा फील कर रहा हूँ मैं आपको पूरा वीडियो में बताऊँगा। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने 2 वीडियो पहले एक वीडियो बना था ऑस्ट्रिया का वर्क परमिट का, तो मैं बता दूं कि ये वर्क परमिट आ चुका है। आप देखोगे मेरे फ़ोन में ये वर्क परमिट आ चुका है और अभी बस इसका आगे प्रोसेस करेंगे। इसके बाद जो भी वीज़ा आएगा, क्या रिज़ल्ट आएगा, वो भी मैं बताऊंगा। आखिर 2 महीना लग गया ऑस्ट्रिया के वर्क परमिट को आने में और फाइनली वर्क परमिट आ चुका है। तो चलिए बात करते हैं क्रोशिया का। तो जब हम यहाँ पे क्रोशिया में आए थे तो टोटल प्रोसेस मुझे लगा था 4 महीना, 2 महीने लगे थे वर्क परमिट को और मेरा वीज़ा आने को मुझे 20 दिन लगे थे। तो ऑलमोस्ट मेरा 2 महीने के अंदर सब कुछ हो चुका था और मैं क्रोशिया आ चुका था। फिर उसके बाद मैं कुछ टाइम यहाँ पे रहा, उसके बाद फिर वापस प्रोसेस थोड़ा चेंज हुआ। उसके बाद लोग 4 महीने माने लगे, नहीं बाद में 6 महीने माने लगे, 8 महीने माने लगे। अब क्रोशिया का प्रोसेस ऐसा है कि 1 साल भी लग सकता है। जो भी नए लोग सोच रहे हैं क्रोशिया में आने को, तो 1 साल लग सकता है। और यहाँ पे बेसिक सैलरी कितनी है, यहाँ पे बेसिक सैलरी जब हम आए थे तभी 450 यूरो से 550 मिलती थी, अब धीरे धीरे बढ़ के अब 650 यूरो बेसिक हो गई है, अब 750 भी मिलती है, 850 भी मिलती है। डिपेंड्स आपके पास जॉब क्या है, आप कैसा काम कर रहे हो, कौन से काम पे हो, स्किल वर्क पे हो, अनस्किल वर्क में हो, डिलीवरी बॉय में हो, टैक्सी ड्राइवर में हो। तो डिलीवरी बॉय, टैक्सी ड्राइवर जॉब ये कैसा जॉब होता है, ये फ्रीलांसर जॉब होता है। मतलब इसमें आप चाहे जितना भी काम करो आपको कमीशन बेस होता है या फिक्स सैलरी होता है। अगर आप कमीशन बेस हो तो आप अच्छा पैसा कुछ कमा सकते हो, जैसे 800 से लेकर तुम 1500 से 2000 यूरो तक कमा सकते हो। अगर आप स्किल वर्कर हो तो आपकी बेसिक सैलरी शुरू 1000 से 1200 से होती है, प्लस ओवर टाइम करेंगे तो आप उसमें भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी क्रोशिया में, पहले इतने जॉब्स नहीं थे, डे बाय डे जॉब्स बढ़ने लगे, लोगों की डिमांड बढ़ने लगी, इस हिसाब से क्रोशिया में भी बहुत सारी डिमांड्स आ गई थी। लास्ट साल में कम से कम 30 से 40 हज़ार लोग यहाँ पर आए, 30 से 40 हज़ार आप सोच सकते हो क्रोशिया में इतने सारे लोग आ चुके हैं। और अभी ऐसा है कि जो डिलीवरी बॉय है और टैक्सी बॉय, इसमें तो बहुत लोग हो गए, लोगों को ऑर्डर भी नहीं मिलते। तो आप जो भी नए लोग प्लान कर रहे हो, वो मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी है सच बता रहा हूँ कि जो भी प्लान करो क्रोशिया आने का, तो आप सोच समझ के प्लान करो कि आपको आना है तो आपको 1 साल तो मिनिमम वेट करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको प्रोसेस बता दूँ प्रोसेस कैसे शुरू होता है। तो प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है पीसीसी, पासपोर्ट वाला भी चल जाता है और नॉर्मल पुलिस स्टेशन वाला भी चल जाता है, ये दोनों पीसीसी चल जाते हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं पासपोर्ट वाला पीसीसी चाहिए, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। क्रोशिया के लिए लोकल पुलिस वाला भी चल जाता है, एसपी ऑफिस वाला, वो भी पीसीसी आजकल चल जाता है और अभी भी चलता है, पहले भी चलता है, अभी भी चलता है। तो पीसीसी सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए अगर आप क्रोशिया आना चाहते हो। तो पीसीसी आपको पासपोर्ट ऑफिस से भी मिल जाएगा, पासपोर्ट सेवा केंद्र, आप वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हो, या दूसरा ऑप्शन है आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन जाइए, आप वहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद अपोस्टल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीसीसी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपका पासपोर्ट, 2 साल मिनिमम वैलिडिटी होना चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट आपका आता है एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 10वीं भी रहोगे, 8वीं भी रहोगे,
आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए हिंदी में रहा तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाना पड़ेगा, उसको फिर अपोस्टल करना पड़ेगा। अगर आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट इंग्लिश में ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम आए थे तब यहाँ पर ऐसा नहीं था, हम आए थे तभी यहाँ पर तुम्हारा जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट हो कोई भी लैंग्वेज में उसको हम ट्रांसलेट करते थे लोकल लैंग्वेज में, उसके बाद वो पुलिस के पास जाता। पर अभी प्रोसेस पूरा बदल चुका, अब इंग्लिश लैंग्वेज भी कोई बात नहीं चल जाती यहाँ पर। तो ये हो गया। चौथा, अगर आप डिलीवरी बॉय या टैक्सी ड्राइवर की जॉब में आते हो तो आपको लगता है ड्राइविंग लाइसेंस, ये चार चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको प्रिपेयर करके रखनी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट कंपनी के थ्रू आओगे तो आपको ये चार डॉक्यूमेंट या तीन डॉक्यूमेंट लगेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस ऑप्शनल है, लगेगा तो लगा नहीं तो नहीं लगा। और आपको एजेंसी के थ्रू आते हो तब आपको लगता है दो सीवी लगता है, तब आपके अगर आप स्किल वर्क में आ रहे हो तो आपका अगर टाइल्स फिक्सर हो, मेसन वर्कर हो या तो फिर वेल्डर हो तो आपके वीडियो लगता है, तब आपका इंटरव्यू होता है। अब अगर कोई आप कोई डायरेक्ट कंपनी से कनेक्ट होते हो या हमसे कनेक्ट होते हो तो हम तो देखो डायरेक्ट कंपनी से डील करते हैं, हम कोई एजेंट से या थर्ड पार्टी से डील करते नहीं हैं। मोटा मोटी हम किया तो भी एजेंसी के थ्रू करेंगे, वो भी बहुत रिसोर्स के साथ, बहुत क्लोज हो उसके साथ। बिकॉज आपको पता है क्रोशिया में जैसी जॉब की डिमांड्स बढ़ने लगी है ऐसे स्कैम भी बहुत ज़्यादा होने लगे। आप लोग ने देखा होगा बहुत सारे लोग पैसा खा गए, बहुत सारे लोग मार्केट से गायब हो चुके हैं। तो इसलिए मैं किसी को पर्सनली मैं बोलना नहीं चाहता किसने क्या किया, बिकॉज वो मेरा लुकआउट नहीं है। हम तो आपका जेन्युइन आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि आजकल स्कैम बहुत चल रहा है, फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, हर जहाँ पे स्कैम चल रहा है, लोग डिमांड्स बढ़ाते हैं पता नहीं क्यों। मे भी सबको कंपटीशन होगा कि हम ज़्यादा, मैं ज़्यादा नंबर की वैकेंसी लाऊंगा तो मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो लोग डे बाय डे वीडियो बनाते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता टू बी फ्रैंक तो मैं वीडियो बनाता नहीं। अगर हमारे पास जॉब वैकेंसी होता है तो हम वीडियो बनाते और डिटेल्स में बात करते। बाकी क्रोशिया की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती तो मैंने ऑलरेडी इतने वीडियो बना चुके हैं क्रोशिया के कि आपको हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और भी लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं उन लोग भी शेयर करते हैं तो आपको अब क्रोशिया के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसलिए अब मैं ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ। तो आप अगर कोई एजेंसी के थ्रू आते हो यहाँ पे तो आपकी सीवी होती है, यूरो पास भी चलेगी, नॉर्मल सीवी भी चल जाती है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को 2,000-3,000 रुपया दो सीवी बनाने के लिए, नॉर्मल सीवी बन जाएगी। अगर आपको एजेंट के थ्रू आ रहे हो तो लोग बना के आपको सीवी दे देंगे। और अब अगर आप स्किल वर्कर हो तो आपके वीडियो लगते हैं, इतनी डिटेल्स लगती है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट एक पोर्टल होता है हजर से, उस पर जाके आपके डॉक्यूमेंट सब अपलोड होते हैं। उसके बाद वो लेबर मिनिस्ट्री होती है, पुलिस होती है, पहले लेबर मिनिस्ट्री उसमें होती है, उसमें आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, वहाँ से ओके हो तो फिर पुलिस के पास जाते हैं डॉक्यूमेंट, पुलिस भी कर देती है ओके। फिर उसके बाद आपको मेल आता है कि आपकी कंपनी को, आपकी एजेंसी को मेल आएगा कि आपका वर्क परमिट रेडी हो चुका, पिक करने आ सकते हो। तो बेसिकली वर्क परमिट का टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि बहुत भाई लोग बोल रहे हैं कि अरे एक महीने में भी आता है, दो महीने में भी आता है, कि पाँच महीने में, कितने महीने में आता है। तो इस डिपेंड कि आप कहाँ से लगा रहे हो, किसके थ्रू लगा रहे हो। वर्क परमिट एक महीने भी आ सकता है पर उसके चार्जेस है, कहीं कहीं 500 यूरो भी लगते हैं, कहीं कहीं 300 यूरो भी लगते हैं, डिपेंड्स लॉयर पे, लॉयर कितना लेता है। क्योंकि आजकल लोग एक्स्ट्रा पे करके भी फास्ट वर्क परमिट मंगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, वर्क परमिट फास्ट भी आती है, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो आप जिससे भी जुड़े हो उसको बोलोगे तो आप मे बी वो उसके पास कॉन्टेक्ट रहेंगे, तो आप उसको बोल के आप फास्ट वर्क में भी लगा सकते हो या मंगा सकते हो। और रही बात स्लो प्रोसेस की, सबसे स्लो प्रोसेस 3 से 6 महीने का है। इस बीच आपको नॉर्मल वही पुलिस से खाली फॉलोअप लेते रहना, कॉल करना, मेल करना है, पुलिस जब ओके करी तब आपको मेल आया तब पे करना है और तब आपको वर्क परमिट मिलेगी। इसको 3 से 6 महीने भी जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द पुलिस, हमें ये चीज़ हम पे डिपेंड्स नहीं होती है, सब कुछ पुलिस पे डिपेंड होता है। कभी कभी 6-6 महीने भी लग जाते हैं, कभी कभी 8-8 महीने भी लग जाते हैं अगर ये प्रोसेस से चलेंगे, कभी कभी 3-3 महीने में अप्रूवल आ जाता है, डिपेंड्स कितना भीड़ है। जागरेब में सबसे ज़्यादा भीड़ होता है, उसके बाद सेकंड भीड़ होता है स्प्लिट में, उसके बाद जितनी भी कोस्ट साइड जगह होती है उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ होता है। जो छोटी छोटी सिटी होती है वहाँ पे कम भीड़ होता है, पर आजकल ऐसा हुआ कि इतनी सारी वर्क परमिट अप्लाई होती है तो छोटी छोटी सिटियों में भी इतना भीड़ होने लगा है क्योंकि सबको फास्ट वर्क परमिट चाहिए होता है। तो लोअर को बोल के, किसी ने बोल के वो लोग वहाँ पर अप्लाई करते हैं जिससे वर्क परमिट फास्ट आ जाए। तो बस ये वर्क परमिट आएगा, उसके बाद आपको VFS के थ्रू वीज़ा लगाना है। और VFS के थ्रू जब वीज़ा लगता है तो कम से कम 3 महीना तो मिनिमम लगता ही है, आजकल 4-4 महीने भी लगने लगे हैं। डिपेंड्स कि आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे, तो डॉक्यूमेंट में ज़्यादा लगता नहीं, मैंने डॉक्यूमेंट के लिए VFX स्पेशल एक वीडियो बनाया था तो आप जाके चेक कर लेना डिटेल में कि कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या लगेगा। अगर आपको तो भी ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना तो मैं आपको प्रॉपर डिटेलिंग में और एक वीडियो बना के बता दूंगा। तो ये जानकारी मैं आपको देना चाहता कि क्रोशिया का प्रोसेस टोटल अब 6 से लेकर 1 साल तक का हो चुका है। तो जो भी भाई लोग नए आने वाले हो तो सोच समझ के आओ,
और बस आपको कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे मेल पे लिख सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। और मैं ट्राई करूँगा अब हर वीक वीडियो बनाने का और नया नया इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। तब तक आप घर पर रहना, सेफ रहना और दुआ में याद रखना।